मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आजम शाह है और मैं यहाँ अमराज सीना में मेडिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। जो हमारा शोभा है जिसमें हम टीबी, दमा, नमूनिया, टीबी के बाद की पेचीदगियाँ, सांस की तकालीफ, ठीक है, और मुख्तलिफ फेफड़ों की बीमारियाँ जिसमें भी आपको ज़रूरत पेश आती है तो हम लोग वो देखते हैं। आज सिर्फ टीबी की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज भी दिन है टीबी का, आमतौर पर 24 मार्च में होता है तो उस दिन रमज़ान होगा, उसमें वो एक्टिविटी नहीं हो पाती, वॉक वगैरह, तो हमने आज रख लिया। तो इसमें यह कि आप लोगों को ये बताना है, सबसे अहम तो आप लोग हैं क्योंकि आपके मरीज़ और आपके रिश्तेदार, बहन भाई या पड़ोसी जिसमें आप जिनको भी आप लेके आए हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। ये आउटडोर एक्टिविटीज़ तो हमारी रोज़ाना ही चलती हैं, लेकिन इस तरह से आपसे बात करने का मौका, कभी कभी जो आलमी दिन आता है या दमे का या टीबी का या सांस की रुकावट सिगरेट की वजह से, उस वक्त हम आपसे खिताब करते हैं इस मामले में। तो टीबी के बारे में यही है कि ये बिल्कुल 100% काबिल इलाज बीमारी है। अगर इसकी पेचीदगी होने से पहले आप मरीज को ले आए और इलाज शुरू करते हैं और इलाज भी लगातार किया जाए, ठीक है। इसकी अलामतें ये हैं कि 3 हफ्ते से ज़ायद खांसी, लेकिन एक तो आम नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है जिसमें इंसान खुद ही कुछ अद्वियात जो शानदा वगैरह ले लेता है, ये बात भी ठीक है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक ये ठीक है जब तक 1-2 हफ्ते आराम ना आए खांसी में। उसके बाद अगर ये खांसी लंबी हो जाए तो सोचना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। उसके अलावा इसमें जिस्म में थकावट, मामूल से ज़्यादा थकावट, ये इंसान सोचे कि मैं पहले तो सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं थकता था और अब 2 सीढ़ियाँ चढ़ने में थकावट हो जाती है, तो ये भी अलामत टीबी की हो सकती है और बीमारियों की हो सकती है, मगर टीबी की भी हो सकती है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा बलगम और बलगम में खून आना, लेकिन खून आने की सिर्फ टीबी वजह नहीं है, कई और वजूहत हैं, तो वो डॉक्टर ही उसको सही तरह पता चला सकते हैं कि ये टीबी की वजह से खून आ रहा है या कोई और नमूनिया है या फेफड़ों का सरतान है खुदा ना खास्ता या गले की कोई आम बीमारी है। आम बीमारी से लेकर और शदीद बीमारी तक खून आ सकता है। उसके अलावा वज़न कम होता चला जाना, ठीक है, और बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता, गले की और गर्दन की गिल्टियाँ, और वो भी टीबी की हो सकती हैं, बल्कि टीबी जो है तकरीबन तमाम अज़ा को मुतासर कर सकती है, आँख से लेकर जल्द, पेशाब की नालियाँ और डिफरेंट पेट की नालियाँ और आँखों की टीबी। लेकिन ज़्यादातर हमारा शोभा जो है वो छाती की जो टीबी है, फेफड़ों की टीबी, उसको डील हम यहाँ करते हैं। और उसके बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर जाहिर है कि हमारे